तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर के बारे में, और ये डिजिटल पंप सिक्योरिटी सिस्टम भी इसको बोलते हैं। और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा वाटर सेव करने के लिए, और ऑटोमेटेड सिस्टम है तो कन्वीनियंट है, अगर वाटर ख़त्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये सिस्टम जो है इसमें तीन वायर है, जो तीन वायर होता है वो टैंक के अंदर चला जाता है, और तीन वायर जो है वो रिजर्वायर के अंदर चला जाता है, तो इससे ट्रैकिंग होती है। तो मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि वायर कैसे इंस्टॉल होता है। तो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का वायर है और ग्रीन और एक रेड, तीन कलर का वायर है, जो तीन वायर रिजर्वायर के अंदर जाता है और टैंक के भी अंदर जाता है, तो इससे ट्रैकिंग हो जाती है। तो मैं इसका चलिए आपको दूसरा पार्ट दिखाता हूँ, जहाँ पे कनेक्शन बनाना है। और देखिए, जैसे कि ये जो मेन आपका जो पंप है, जो उससे भी कनेक्शन इसकी होगी ताकि वो पंप को ऑन करे। तो ये सिस्टम जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है, डायरेक्टली पावर लाइन से, और उसके बाद फिर ये आपका जो पंप है उससे कनेक्ट होता है, और फिर रिजर्वायर से और ओवरहेड टैंक से कनेक्ट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली इसका टूर करा देता हूँ कि कैसे ये कनेक्ट होगा और कैसे बनेगा। तो आप ये सब घर पे मंगा लें और इलेक्ट्रिशियन को बुला के आप इंस्टॉल करवा लें। तो जैसे ये देखिए, ये डिजिटल पंप सिक्योरिटी सिस्टम, इसके अंदर क्या है, लो वोल्टेज है, लो वोल्टेज है तो ये बंद हो जाएगा, टैंक फुल, टैंक एम्प्टी, प्राइम फेल और सम्प ड्राई, ये सारे के सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। और इसके अलावा रीसेट बटन दिया हुआ है, स्विच ऑन बटन है, आप इसको हमेशा स्विच ऑन करके रखिए और कोई प्रॉब्लम है तो रीसेट कर दीजिए। तो चलिए, इसका जो मेन पावर लाइन कनेक्शन है और जो पंप के साथ कनेक्शन है उसको भी देखते हैं। तो ये देखिए, जो मेन पंप है उसके अंदर एक ऑन बटन होता है और एक ऑफ बटन होता है जनरली, और रीसेट बटन भी होता है। तो ऑफ बटन ही रीसेट बटन होता है, तो आप मैनुअली जब पहले इसको ऑन करते थे तो मैनुअली ऑन करते थे तो वाटर भरता था, तो ऑफ़ कर दिए तो बंद हो जाएगा। तो इसको ऑटोमेट कर दिया गया है इसके सिक्योरिटी सिस्टम की मदद से। इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक रीसेट बटन जो आप देख रहे हैं पंप में वो प्रेस कर दें, तो कोई भी प्रॉब्लम जो इसके बीच का कनेक्शन है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। तो इसका जो सिस्टम है काफ़ी आसान है और काफ़ी मुझे यूज़फुल लगा, क्योंकि आपका टैंक हमेशा फुल रहेगा, आपको कोई हेडेक नहीं है, पानी नहीं है या आपने ऑन नहीं किया तो पानी चला गया, तो इस टाइप का इश्यूज़ जो है वो इस सिस्टम से रिजॉल्व हो जाता है। और जो इंडिकेटर्स है जो पहले देखा था आपने, वो इंडिकेटर्स भी काफ़ी यूज़फुल है, तो हमेशा आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या सिचुएशन है आपका पंप का, और इंडिकेटर से आप जान सकते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको टैंक पे लेके चलता हूँ। तो जैसे देखिए, ये जो ओवरहेड टैंक है उसके अंदर ये वायर गया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक ब्लैक कलर का है, एक रेड कलर का है और एक ग्रीन कलर का है। तो ये देखिए, ये पानी को टच करता रहता है ये जो वायर है, और ये वायर जो है वहाँ से आपका कनेक्शन हो करके ओवरहेड टैंक के अंदर ये जाके रहेगा और ये कवर होके रहेगा। तो ये देखिए, मेरा वायर ऊपर छत पे जाके टैंक के अंदर जाके सेटअप हुआ है। तो दोस्तों, और कोई क्वेश्चन है आपको डिजिटल पंप सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में तो मुझे ज़रूर बताएं।